मुझसे बात करने वाले हैं, मैं आपको जाने के पहले बताता हूँ, 10:30 बजे है, 10:30 बजे वो प्रत्यक्ष भाषण शुरू करेंगे, 10 बजे ही हमने लोगों को बताना है, और जितने जगह दूरदर्शन लगाओगे उतना तो दिखता ही है, तो वो लोगों को आज के आज मैसेज देना है कि ये एक संवाद उनका, जो एक संवाद की मालिका चल रही है, 1-1 करोड़ लोगों से बात होती है, तो ये भी एक बड़ा कल महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मानित भी करेगी वो, तो इस तरह से एक अपना प्रचार। अच्छा, दूसरी जो बात है, ये विपक्षी दल अब बौखला गए, और बौखलाने से कारण क्या हो रहा है वो अब आज विपक्षी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस 70 सेकंड हुई, 70 सेकंड 70 सेकंड, तो सच्चाई ये है कि केवल गाली गलौज करना, झूठ पे झूठ बोलना, यही इसी पर वो उतर आए, क्योंकि सच्चाई उनके पास है नहीं, और भारत के भीम पराक्रम करने वाले हवाई दल और सेना पर जो आशंका व्यक्त करते हैं, देश भर में उनकी थू-थू हो रही है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज देश का मूड है कि पाकिस्तान को एक जबरदस्त, ये देखो जब 26/11 का हमला हुआ तब भी सेना ने कहा था उस समय 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ कि हम जाके वहां ध्वस्त करते हैं, लेकिन उस समय परमिशन नहीं मिली। फर्क यही है कि यूपीए के प्रधानमंत्री ने सेना को परमिशन नहीं दिया, और मोदी जी है कि उन्होंने तुरंत परमिशन दिया और करा भी करो काम। राजस्थान में पोखरण है, पोखरण की कहानी भी यही है, पोखरण में विज्ञानी पहले से पोखरण के बम विस्फोट की ये परीक्षण के लिए तैयार थे, लेकिन राजीव गांधी ने मना किया, फिर नरसिंह राव ने मना किया, फिर देवेगौड़ा ने मना किया, गुजराल ने मना किया, अब 4-4 प्रधानमंत्री के फाइल टेबल पर जाती है, लेकिन वो मना करते हैं। एक दूरदृष्टि नेता थे अटल जी, और उन्होंने परमिशन दिया, और इसलिए भारत आर्थिक समस्या का देश, तो ये जो सारी स्थिति आज देश भर में माहौल है, और इसलिए उसी माहौल को आगे लेकर हम आगे काम करेंगे, जनता में जाए, खूब बोले, और जो सेना का अपमान है वो हम कभी सहन नहीं करेंगे, ये भी हमें बताना चाहिए। और सेना के अपमान का मुद्दा, क्या ऐसा तो देश इसी दुनिया में नहीं होता कि सेना ने बताया बोले नहीं हमें सबूत दो, तो अब कल बहुत बहुत लोग बोलते हैं, हमें ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलना नहीं है, क्योंकि हमें सीधे लाइन पे रहना है कि सेना की ये स्ट्रेटेजी थी, मोदी जी ने उसको हाँ कहा और सेना ने पराक्रम करके दिखाया, ये विपक्षी है कि करते तो कुछ नहीं जब उनकी सत्ता थी और उल्टा सेना पर डाउट करते हैं, ये पाप है। यहाँ ऐसे हमें जोर से प्रचार करना चाहिए, मुझे लगता है इतना भी काफी है, और बाद में हम संगठन तो काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।